हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, ओपन ऑफिस कैल्क सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज की ये वीडियो ओपन ऑफिस कैल्क की है। सबसे पहले हम ओपन ऑफिस कैल्क को ओपन करेंगे और पिवोट टेबल की स्थिति देखेंगे। यानी ओपन ऑफिस कैल्क के अंदर हम बात करने वाले हैं पिवोट टेबल के बारे में। तो चलिए आइए ओपन ऑफिस कैल्क को ओपन करते हैं। मैं अपने स्टार्ट बटन पे क्लिक करता हूं, मैं विंडोज 11 यूज कर रहा हूं, तो यहां पर स्टार्ट बटन पे क्लिक किया और यहां पे लिख देंगे ओपन ऑफिस। तो यहां पे देखिए ओपन ऑफिस बेस है, कैल्क है और राइटर भी है, ड्रा है, मैथ्स है, इंप्रेस है। तो हमें कहां जाना है, कैल्क पे जाना है। कैल्क पे क्लिक करके और इसे ओपन कर लेंगे। जैसे ही ओपन करेंगे तो यहां पर इस तरीके से ये ओपन हो जाएगा। अब यहां पर हमें एक रिकॉर्ड बनाना है, तो इसमें और भी चीजें आप सीखेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं कैसे। यहां पर देखिए, यहां पर मैं कर देता हूं रोल नंबर, सेम वही चीज जो हमने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे करा था, ठीक है। लेकिन यहां पर डिफरेंट हो जाएगा, एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहां पर कुछ चीजें डिफरेंट है, ठीक है। अब क्या डिफरेंट है, कैसे डिफरेंट है, ये कई वीडियोज में मैं बता चुका हूं और इस वीडियो में भी आपको बताने वाला हूं। तो हमारे साथ वीडियो में बने रहिए और देखते रहिए कि ये कैसे कैसे आपको क्या क्या करना है। अब मान लीजिए यहाँ पर ये पांच सब्जेक्ट हो गए, ठीक है। और पांच सब्जेक्ट होने के बाद यहाँ पर हमें एक काम और करना है। क्या करना है, हमें यहाँ पर टोटल भी करना है। तो यहाँ टोटल भी कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर टोटल तक ही हम करेंगे, ठीक है। क्या यहाँ पर रैंड बिटवीन फंक्शन अप्लाई हो सकता है, तो यहाँ पर लिखता हूँ रैंड और यहाँ पे बिटवीन, तो बिल्कुल अप्लाई हो सकता है। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा आप, यहाँ पर कॉलन एक्सेप्टेड नहीं है। जब आप इसके सिंटैक्स में जाएंगे तो यहां पर पॉइंट लगा के ऊपर और नीचे कॉलन नहीं है, ये सेमी कॉलन है। यानी कि यहां पर कॉलन आपको नहीं बनाना है, सेमी कॉलन बनाना है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए यहां पे सबसे छोटा नंबर दिया आपने, और अगर यहां पर आप कॉमा दे देते हैं और सबसे बड़ा नंबर दे देते हैं, तो ये जनरेट करेगा एक एरर। कैसे, देखिए एंटर करेंगे तो ये एक एरर जनरेट कर रहा है, एरर 504। तो आपको ये काम नहीं करना है, यहां पर लगाना है। देखिए ये दोनों एक ही में आ गया, तो यहां पर सेमी कॉलन देना है। तो सेमी कॉलन देंगे तो यहां पर वो नंबर इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है। देख सकते हैं यहां पे वो नंबर इंसर्ट भी हो रहा है। फिलहाल हमें यहां पे रोल नंबर चाहिए, तो हमें इसकी बात अभी नहीं करनी है। यहां पे 1 लिखते हैं और एंटर करते हैं, 2 लिखते हैं। ड्रैग एंड ड्रॉप की सुविधा यहां भी मिल जाती है आपको, तो दोनों को सेलेक्ट करके और नीचे आप ऐसे ड्रैग करवा सकते हैं। ड्रॉप डाउन की सुविधा यहां पे मिलती है, कैसे बनेगा दिखाता हूं। जितने हिस्से पे आपको ड्रॉप डाउन चाहिए सेलेक्ट कर लीजिए, सेलेक्ट करके यहां से जाइए डेटा टैब पर, तो ये डेटा टैब पे आए और यहां पर आपको ऑप्शन मिलता है वैलिडिटी का, वैलिडिटी, ठीक है। देख सकते हैं ये वैलिडिटी का ऑप्शन मिल रहा है, तो क्लिक कर दीजिए। और क्लिक करने के बाद यहां से एनी वैल्यू को बना लीजिए लिस्ट, और लिस्ट बना करके यहां पर अब नाम देते चले जाइए। जैसे मान लीजिए यहाँ पर राम कर दिया हमने, फिर यहाँ पे श्याम कर देते हैं। यहाँ पर कॉमा नहीं देना है आपको, एंटर करते जाना है, ठीक है। सचिन, एंटर। आकाश, सुमित, रितेश, सुरेश, मोहन, ये तमाम नाम जो है यहां पर हमने एंटर करवा दिए हैं, ठीक है। एक दो और नाम एंटर करवा लेते हैं, जैसे लोकेश, और लोकेश करेंगे LOKESH। यहां पर वसीम, एक और नाम एंटर करवा लिया और यहां से ओके कर देना है आपको। तो ये ओके करेंगे तो ये इस तरीके से बनेगा, देख सकते हैं। यहां पर अब आप चूज कर सकते हैं, ठीक है, ये नेम जो है यहां से चूज कर सकते हैं। यानी ओपन ऑफिस कैल्क में भी आप बड़े आसानी के साथ ये काम कर सकते हैं। यानी जो हम ड्रॉप डाउन बनाते हैं वो ड्रॉप डाउन बड़े आसानी के साथ यहां भी आप बना सकते हैं, ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इस तरीके से आप ड्रॉप डाउन पहले बना लीजिएगा, और ड्रॉप डाउन बना लेने के बाद क्या करना है, यहां पर आना है और यहां पर वो चीज करनी है। जैसे रैंड बिटवीन मैंने बताया ना, तो रैंड बिटवीन तो यहां भी काम करेगा, लेकिन कैसे काम करेगा, तो यहां पे देखिए रैंड बिटवीन लिखेंगे और ब्रैकेट को ओपन करके सबसे छोटा नंबर, फिर यहां पे सबसे बड़ा नंबर 79 कर दिया हमने। कॉमा नहीं देना है, कॉमा देंगे तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो आपको सेमी कॉलन लगाना है। ये सेमी कॉलन बटन कहाँ मिलेगा, जो अल्फा न्यूमेरिक की एल होती है उसी के ठीक बाद वाला बटन है, सीधा आप वही बटन दबा दीजिएगा और एंटर कर दीजिएगा। तो एंटर करेंगे तो ये आ जाएगा, और यहां से आप इसको ड्रैग करके इस तरीके से कर लीजिएगा। तो यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए सबसे अच्छा तरीका है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है, और जहां तक आपका रोल नंबर है वहां तक ट्रैक करवा लीजिए, सारे नंबर आ गए ऑटोमेटिक। अब आपको काम करने में आसानी हो जाएगी, आपको एक एक करके रिकॉर्ड सेंटर करने नहीं पड़ेंगे। फिर पेस्ट स्पेशल पे जाके इसे वैल्यू बना लीजिएगा, यानी नंबर बना लीजिएगा, तो सबको अनसेलेक्ट करके केवल नंबर को रखना है सेलेक्ट और ओके कर देना है, ठीक है। तो ये नंबर आ गए। अब यहाँ पर जो नाम और आए थे उनको भी हम ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे सुरेश आया था,
यहाँ पे और भी चीजें आई थी, जैसे यहाँ पे मोहन है, यहाँ पर देख सकते हैं लोकेश है, और यहाँ पर वसीम है, और भी नाम होंगे। तो एक क्लास में एक नाम से दो बच्चे तो हो ही सकते हैं। तो यहाँ पर जो है ये कुछ इस तरीके से हमने लगा दिया। अब यहाँ पे टोटल करना है, तो इक्वल टू लगा के आप सम फंक्शन लगाते हैं ना। तो यहाँ पे लेकिन अच्छा एक और तरीका मैंने आपको बताया था कि कैसे आपको करना है ये। तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर पहले इसको डिलीट करता हूँ, यहाँ पे इक्वल टू लगाया हमने, और अगर हम एक एक करके करेंगे, एक एक करके नहीं करते हैं सीधा सम का फंक्शन लगाते हैं, एक एक करके करेंगे तो काफी टाइम लगेगा। और यहाँ पर देखिए अगर आप यहाँ इसका सेल एड्रेस देखिए C2 है ना, तो C2 से लेकर कॉलन लगा देंगे, और ये क्या है लास्ट में देखिए ये लास्ट वाला G2 है, तो C2 से लेकर G2 कर देंगे ना कॉलन लगा करके, तो ये नहीं आएगा। ठीक है, तो देखिए ये इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पे C2 से G2 तक कॉलन लगा के मैंने कर दिया, तो ये आ गया। देख सकते हैं ना यहाँ पे कॉलन ही लगाया है। ठीक है, तो इस तरीके से ये आ जाएगा, और अब एंटर कर दीजिएगा तो ये सब आ गया है। अब देख सकते हैं इस पे बॉर्डर लगाना है, तो आप इसको सेलेक्ट करिएगा मैनुअली ऐसे। ठीक है, और सेलेक्ट करके यहां पर ऑल बॉर्डर दिया होगा, तो ये ऑल बॉर्डर कर लीजिएगा, तो ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। देख सकते हैं अब हमें इस पे पिवोट लगाना है, तो पिवोट ऑप्शन मिलेगा कहां, तो देखिए इसी बॉक्स में ये डेटा में कहीं पर भी क्लिक कर दीजिएगा, और क्लिक करके आपको कहां चले चलना है डेटा टैब पर। डेटा टैब पे जैसे ही जाते हैं तो यहां नजर आएगा आपको पिवोट टेबल, और ये दिया गया है क्रिएट। तो क्रिएट ऑप्शन पे जैसे ही जाएंगे तो कह रहा है करंट सेक्शन के लिए बनाना है, तो हाँ बिल्कुल करंट सेक्शन के लिए बनाना है। तो यहाँ पे ये कुछ इस तरीके से आ जाता है, देख सकते हैं ना। अब यहाँ पे रो फील्ड, कॉलम फील्ड और तमाम चीजें दी गई है। ठीक है, तो अगर रो फील्ड, तो हम क्या करते हैं पेज फील्ड के अंदर उठाते हैं इस रोल नंबर को, ड्रैग करके और इसे पेज फील्ड में डाल देते हैं। तो ये पेज फील्ड में डाल दिया हमने। इसके बाद कॉलम फील्ड के अंदर हम नेम को डाल देते हैं, या चलिए नेम को डाल देते हैं, और यहां पर आप देख लीजिए ये हमारा कॉलम फील्ड हो गया। और रो फील्ड के अंदर टोटल को डाल देते हैं, या डाटा फील्ड के अंदर टोटल को डाल देते हैं, और यहां से ओके कर देते हैं। तो जैसे ही ओके करते हैं तो यहां पर आप नीचे देखेंगे कि यहां पर ऑल सेलेक्टेड है, फिल्टर यहां लिखा हुआ है, और यहां पे क्या सेलेक्टेड है, ऑल सेलेक्टेड है, आप देख सकते हैं। अगर मैं हटा देता हूं ऑल और केवल रोल नंबर 4 सेलेक्ट करता हूं, तो यहां पे सुमित का टोटल मार्क्स आपको नीचे डिस्प्ले होता हुआ नजर आता है। ठीक है, अगर नेम में जाता हूं और नेम में से ऑल हटा देता हूं, यहां से ऑल हटाऊंगा और ऑल हटा करके क्या करूंगा, किसी एक को सेलेक्ट करूंगा। अब जो कुछ भी हम यहां से सेलेक्ट करेंगे ना, वही चीज नीचे आपको डिस्प्ले होगी। जैसे सुरेश का, तो अब चेक करेंगे सुरेश का इतना है या नहीं है। तो यहां से सुरेश का जो पूरा सेल है इसे मैं हाईलाइट कर देता हूं, टोटल भी हाईलाइट करता हूं, ताकि देखने में सुविधा हो कि ये इतना आया है या नहीं आया है। तो आप देख सकते हैं कि यहां पर सुरेश का 255 नंबर दिखा रहा है टोटल, और यहां पे 255 ही आया हुआ है। ठीक है, इसी तरीके से जिसको जिस डेटा को आप एनालाइज करना चाहते हैं वो यहां पे ले सकते हैं। जैसे रोल नंबर 10 का देखना है, तो 10 का नाम वसीम है, ये 203 नंबर पाए हैं। तो देखिए ये वसीम वाला सेल कॉल जो आपका रो है, वो वसीम वाला रो हम सेलेक्ट करते हैं, और यहां से जाकर के और फिर इसे एक डिफरेंट कलर से हाईलाइट भी करता हूं ताकि देखने में सुविधा हो। तो ये देख सकते हैं ये वसीम वाला रो है, 203 नंबर आ रहा है। अगर यहां से फिर मैं रोल नंबर के हिसाब से चेंज कर देता हूं, 4 कर देता हूं, तो यहां 257 नंबर है, किन का है, तो सुमित का है, तो है कि नहीं है ये देखना पड़ेगा। तो यहां पर ऊपर आते हैं, ये देखिए ये सुमित है और इनका 257 यानी 257 मार्क्स है या नहीं है, तो बिल्कुल है, देख सकते हैं यहाँ पे, इसे मैं हाईलाइट भी कर देता हूं। तो ये देखिए यहां पर 257 मार्क्स इनका आया हुआ है, तो है ना इजी। ठीक है, डेटा को एनालाइज करना काफी आसान हो जाता है, ठीक है, इसकी मदद से। लेकिन मान लीजिए कि आप इसे नेम के बेस पे करना चाहते हो, तो नेम के बेस पे भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे, डेटा में कहीं पर भी क्लिक करेंगे और फिर वही की डेटा टाइप पे जाकर के, और डेटा टाइप पे जाने के बाद पिवोट टेबल पे जाके क्रिएट करेंगे, क्रिएट के बाद करंट सिलेक्शन रखेंगे और यहां पर आ जाएंगे। अब हम नेम को उठाते हैं और पेज फील्ड में डाल देते हैं, और कॉलम को, कॉलम में क्या डालेंगे, टोटल डाल देते हैं, कोई और भी चीज आप डाल सकते हैं, आपकी मर्जी। ठीक है, तो ये कॉलम के अंदर टोटल को डाल दिया और ओके कर दिया। तो जैसे ही ओके करेंगे तो यहां पर आपको सारे का टोटल दिखाई दे रहा है, लेकिन यहां पर ऑल सेलेक्टेड है फिल्टर के अंदर, तो यहां से हटाते हैं, केवल एक स्टूडेंट का सेलेक्ट करते हैं। तो यहां देखिए लोकेश सेलेक्ट किया हमने, और लोकेश का टोटल मार्क्स आपको दिखाई दे रहा है। तो लोकेश का टोटल मार्क्स कितना है देख सकते हैं यहां पे। अब नेम के हिसाब से ये आ रहा है। अब यहां पर आए और यहां पे सुमित सेलेक्ट किया, तो सुमित का कितना है 257। तो देखिए सुमित का 257 तो आया ही था, अभी आपने देखा यहाँ पे देख सकते हैं ये 257 ही आया हुआ है।
सुमित का, ठीक है। यहां से चेंज करते हैं, नेम जैसे चेंज करेंगे वैसे यहां पर रिजल्ट भी चेंज होगा, सर तरीके से आप कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको यह बात समझ में आई होगी कि पिवोट टेबल को कैसे यूज करना है ओपन ऑफिस कैल्क में। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे शेयर कीजिएगा, और साथ ही साथ चैनल जिसका नाम है कंप्यूटर एंड एक्सेल सॉल्यूशन इसे सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और जो कोई सवाल हो वो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, ठीक है। मैं जल्दी उत्तर देने की कोशिश करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।